आपका स्वागत है। टीवी और बॉलीवुड अभिनेता मुकेश खन्ना बॉलीवुड से जुड़े हर मामले पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इन दिनों अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़ा पोर्नोग्राफी केस चल रहा है, उस पर भी मुकेश खन्ना ने खुलकर अपनी बात रखी है। मुकेश खन्ना का कहना है कि वे इस मामले में शिल्पा शेट्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, लेकिन उन्हें ये जरूर लगता है कि उन्हें राज कुंद्रा के इस मामले में जरूर कोई जानकारी होगी। एक्टर का ये भी कहना है कि अगर शिल्पा इस बारे में कुछ जानती हैं, तो उन्हें आगे आकर सच्चाई बतानी चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार मुकेश खन्ना ने इस मामले पर कहा, पब्लिक पब्लिक होती है, उन्हें उतना ही पता होता है जितना आप लोग उन्हें दिखाते हो। एक जमाने में रेडियो बताता था, अब चैनल और अखबार बताते हैं। मुझे इस मामले में सिर्फ खुशी इस बात की है कि चलो ये मामला निकला तो सही। राज कुंद्रा जिम्मेदार है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, शिल्पा शेट्टी जिम्मेदार है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, और ना मुझे इसकी तह तक जाना है। लेकिन देखिए, जिस तरह से सुशांत मर्डर केस में ड्रग एंगल सामने आया, वह ड्रग एंगल केवल सुशांत के टाइम से नहीं था, वह 50 साल पहले से था। जब आप लोग खबरें दिखाते हो तो वही ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ऐसा लगता है कि इससे बड़ा गुनहगार कोई और नहीं हो सकता, कि वह समुन्दर में एक ही आदमी हो। शिल्पा शेट्टी की इस मामले में भूमिका को लेकर मुकेश खन्ना ने कहा कि देखिए, अगर घर में कोई ऐसी चीज बनती है जो युवाओं को खराब करती है, वह पता होती है मेरा कोई हक नहीं बनता पति पत्नी के बीच में बोलने का। उनका क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता। मैंने पिछले दिनों कहा था कि हमारी इंडस्ट्री हॉलीवुड को फॉलो करती है। हॉलीवुड में शादियां कम तलाक ज्यादा होते हैं, हमारे यहाँ भी यह सब शुरू हो गया है। शिल्पा शेट्टी को 120% इस बारे में पता होगा। उसके बीच में आप एक ऐसा जॉनर पकड़कर बैठ गए हैं जो इंटरनेशनल है। ये एक अटैक है, हम में से कोई साधु नहीं है, लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि हमारा देश अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बच्चे अभी भी गांव के कई पढ़े लिखे नहीं होते, उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया, इंटरनेट दे दिया, और आप सोचते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं है, उससे पता चल गया है कि इसमें ऐसा कंटेंट मिलता है। आज का बच्चा एक बटन दबाकर पोर्नोग्राफी फिल्म देख रहा है, ये कमाई का धंधा है। एक्टर ने आगे कहा कि ड्रग्स में कमाई होती है, पोर्नोग्राफी फिल्में बनाने में कमाई होती है, देश के सीक्रेट्स बाहर भेजने में कमाई होती है, और यहाँ तक कि धोखा देने में भी कमाई होती है। पर ये आपको फैसला करना है कि ये सही है या नहीं। ये काम एडल्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन बच्चे देख रहे हैं। एक जमाने में 16+ और 18+ लिखा जाता था, थिएटर में गेट कीपर उम्र भेजकर जाने देता था। हम स्वीडन और फ्रांस नहीं है जहां पर कड़ा कानून है। साथ ही इन्होंने इस बात पर और भी जोर दिया कि ऐसा कंटेंट बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए। उनका कहना है कि एक बच्चा कंबल के नीचे अपने कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और ये माँ बाप को पता ही नहीं चलता, इसीलिए एक ऐसा कानून बने ताकि यह सब बच्चों तक पहुंच ही ना सके। तो गाइस, क्या कहना है आपको मुकेश खन्ना जी के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए बिग स्क्रीन।